Good morning students, how are you? I hope you all are well at your home during this lockdown time. And I am Rekha Sharma in front of you with online class. And today I will teach you Hindi subject. In Hindi subject, we will do oral practice. हिंदी सब्जेक्ट में आज हम आ की मात्रा और छोटी की मात्रा के शब्दों का अभ्यास करेंगे। स्वर सभी बच्चों को आते हैं, मात्राएं भी आप सभी को क्लियर है कि आ की मात्रा कौन सी और छोटी की मात्रा कौन सी है। जैसे ये आ की मात्रा और ये छोटी की मात्रा। ये अगर स्टैंडिंग लाइन, ये सीधी लाइन किसी भी अक्षर के साथ हम जोड़ते हैं तो आ की ध्वनि आती है। जैसे क के आगे अगर ये मात्रा लगा दे आ की मात्रा तो बन गया का। ख के आगे आ की मात्रा लगाई खा। मैं के साथ आ की मात्रा जोड़ी माँ। ल के साथ आ की मात्रा जोड़ी ला। तो जिस अक्षर के साथ भी हम आ की मात्रा को ऐड कर देते हैं उसी अक्षर के साथ आ की ध्वनि आती है। जैसे कैसे गैतर जितने भी व्यंजन है सभी में अगर हम ये स्टैंडिंग लाइन आ की मात्रा लगाएंगे तो सभी के अक्षरों के साथ आ की ध्वनि आएगी। का खा गा घा ड़ा चा छा जा झा या टा ठा डा ढाणा ता था दा धाना पा फा बा भा मा या रा ला वा शा 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 सा हा छा त्रा ग्या। इस तरीके से जिस अक्षर के साथ भी हम आ की मात्रा ऐड कर देते हैं आ की आवाज आती है। मैं यहाँ कुछ शब्दों के माध्यम से ये ओरल प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको। जैसे क, क में आ की मात्रा जोड़ी क्या ध्वनि आएगी का आएगी। ल, ल पे आ की मात्रा ला। क पे अक्षरों में आ की मात्रा जोड़ के शब्द बनवाए हैं और आपने अपने होमवर्क में भी किया है। अब आ के बाद हम करेंगे छोटी की मात्रा का मौखिक अभ्यास। यह है छोटी से इमी। अब छोटी की मात्रा कौन सी होती है? देखिए ये दो तरीके से मात्रा होती है। एक होती है लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ आती है और एक होती है राइट साइड में बाहर की तरफ जाती है। जो राइट साइड में बाहर की तरफ जा रही है होती है बड़ी की मात्रा। उच्चारण भी बड़ा होता है और जो लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ मात्रा आ रही है जैसे लेफ्ट एंड राइट टू हैंड्स होते हैं हमारे तो लेफ्ट साइड में इस हाथ की तरफ जो मात्रा बाहर की तरफ निकलेगी वो होती है छोटी की मात्रा। तो आज अब हम छोटी की मात्रा के शब्दों का अभ्यास करेंगे। ये छोटी की मात्रा जिस भी शब्द के साथ लगती है, जिस अक्षर के साथ लगती है तो उसमें ई का उच्चारण आता है। जैसे क के साथ छोटी की मात्रा की, खी, गी, घी, डी। सभी व्यंजनों के साथ अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ई की आवाज आएगी। ची, छी, जी, झी, ई, टी, ही, डी, धी, नी, ती, ही, दी, धी, नी, पी, फी, डी, भी, नी, यी, री, ली, वी, शी, शी, सी, ही, शी, त्री, गी। इस तरीके से छोटी की मात्रा लगाएंगे छोटा उच्चारण होगा और ये की ध्वनि निकलेगी।
देखिए यार में मात्रा देखी देख के आप पहचान ली थी यार की मात्रा है, तो यह भी अकार की मात्रा हो जाएगी या। त कह पे छोटे की मात्रा की, यह भी आ की मात्रा या। तकिया। फिर स पे छोटे की मात्रा क्या हो गया सी। र स पे छोटे की मात्रा सी। र सिर। प के साथ भी जो मात्रा लगाएंगे वैसा ही आपका उच्चारण होगा। आज हम प्रैक्टिस करेंगे बड़ी की मात्रा के शब्द। यस स्टूडेंट, अब हम प्रैक्टिस करेंगे बड़ी की मात्रा के शब्द की। यहां मैंने व्यंजन लिखे हैं। जैसा मैंने बताया था कि जिस अक्षर के साथ आप जो मात्रा जोड़ेंगे वैसा ही उच्चारण आएगा। जैसे बड़ी की मात्रा में लंबा उच्चारण होता है, तो ये मैंने यहाँ कैसे गैर व्यंजन लिखे हैं, इनके ऊपर हम बड़ी की मात्रा को जोड़ेंगे। पहले छोटी की मात्रा के शब्द किए थे हमने और अब बड़ी की मात्रा के। तो सभी व्यंजनों में हम बड़ी की मात्रा को जोड़ते हुए इनका उच्चारण करेंगे। व्यंजन आप सभी को आते हैं, मात्राएं आप सभी याद रखेंगे और उनका उच्चारण भी याद रखेंगे। बड़ी की मात्रा
मात्रा लगाई है, क्या बन गया? छतरी, छतरी, छतरी। फिर है ते, ते पे बड़ी की मात्रा ती रे, ती, क्या बन गया? ती। धनुष करके चलाते हैं हम, ती। फिर है मैं छे ले, ले पे बड़ी की मात्रा ली, मैं छे ली, मछली, मैं छे ली, मछली। घर अड़े पे बड़ी की मात्रा घड़ी, घड़ी, टाइम देखते ना घड़ी में, घड़ी। घड़ी स्टूडेंट्स, आपको अपनी नोटबुक में ये बड़ी की मात्रा के पांच शब्द लिखने हैं। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, बाकी मैंने आपको की, छतरी, तीर, मछली और घड़ी ये सिखाए हैं। नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको वर्क करना है। कैसे यह तक आपको ये वर्क अपनी नोटबुक में करना है और फिर पिक सेंड करनी है। स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।